हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं गोलमाल अगेन के 9th वीक के कलेक्शंस के बारे में, वो भी वर्ल्ड वाइड। जी हाँ, वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस बताने वाला हूं। गोलमाल को 9 हफ्ते हो चुके हैं। आप सोचते हो कि भैया गोलमाल कहाँ से आ गए, तो उस टाइगर जिंदाई की न्यूज बताया था। भैया गोलमाल अगेन भी चल रही है, मुझे प्रॉपर आंकड़े मिले इसलिए आपको बताना लाजमी समझता हूँ, और ओवरसीज मार्केट इंडिया सभी का कलेक्शन प्रॉपर तरह से बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आप ये मिस ना कर सके गोलमाल अगेन कलेक्शन, जो आई थिंक आने वाले वक्त में पता चलेगा कि नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। गोलमाल अगेन का बजट सभी को पता है करीबन 80 करोड़ के ऊपर था। इस फिल्म में ये कॉमेडी फिल्मों के हिसाब से सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है, कॉमेडी फिल्म का अगर बात करें तो। अब बात करते हैं हम इसके कलेक्शन फिगर्स की, और गोलमाल अगेन का कलेक्शन फिगर पहले हफ्ते से बताता हूँ, 137.08 करोड़। दूसरे हफ्ते में आया था 46.87 करोड़। तीसरे हफ्ते में आया था 15.03 करोड़। चौथे हफ्ते में आया था 5.17 करोड़। पांचवें हफ्ते में आया था 1.25 करोड़। पांचवें हफ्ते का 1.25 करोड़, ठीक है। छठे हफ्ते का 70 लाख। इसके आगे कलेक्शन शायद मैंने भी नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता ही चले थे। सातवें हफ्ते में इस फिल्म ने 46 लाख की कमाई की, 46 लाख, और आठवें हफ्ते में 15 लाख। नौवां हफ्ता जो अभी गया है उसमें सिर्फ 4 लाख की इस फिल्म ने कमाई की है, और टोटल इसका जो कलेक्शन जो 63rd डे को हुआ है वो 40,000 हुआ है, यानी कि 40K, और उसके साथ जो टोटल मिलकर हुआ है 206.75 करोड़। अभी तक जो कलेक्शन था आठवें हफ्ते तक का वो था 206.70 करोड़ जो हम अभी तक पकड़ रहे थे जब हम टाइगर जिंदा है की बात कर रहे थे कि टाइगर जिंदा बीट कर दिया गोलमाल अगेन को, तो हमारे पास जो कलेक्शन था 206.70 करोड़ का था, किसका, गोलमाल अगेन का। अब 206.75 करोड़ इस फिल्म ने कमा ली है क्योंकि 4 लाख इसने 90 हफ्ते में कमाया है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके ग्रॉस कलेक्शंस की, वो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मैंने आपको कहा, राइट। 265 करोड़ इसका वर्ल्ड ग्रॉस कलेक्शन है इंडिया का, किसका, 206.75 करोड़। जो हमारा नेट कलेक्शन है गोलमाल अगेन का, उसका ग्रॉस कलेक्शन है 265 करोड़, ठीक है, इंडिया का। अब ओवरऑल इस फिल्म ने 312 करोड़ कमाई की है, यानी कि अगर हम माइनस करें 265 करोड़ का जो चलिए टोटल हम पकड़े 312 करोड़, जो 312 करोड़ हुआ है उसमें से अगर हम माइनस करें 265 करोड़ इंडिया ग्रॉस, तो हमें ओवरसीज ग्रॉस मिलेगा, यानी कि जो ग्रॉस मिल रहा है 65, 75, 85, 95, करीबन 47 से 48 करोड़ इसने ओवरसीज मार्केट में कमाई है, जो आई थिंक पहले का जो ओवरसीज मार्केट था वही अभी तक का है, यानी कि उसके बाद ओवरसीज मार्केट में उतना बढ़िया नहीं चलिए, सिर्फ इंडिया में चलिए। लेकिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आपको बताना था इसलिए बता दिया, करीबन 47 से 48 करोड़ ओवरसीज मार्केट में, टोटल कलेक्शन वर्ल्ड वाइड है 312 करोड़ इस फिल्म का। तो ये पूरी जानकारी थी आपको जो मैंने बताई है, और इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट चीज और बता देते हैं। उसका स्क्रीन काउंट था 3,500 सभी को पता था, और इसकी जो टोटल टिकट बिकी थी इंडिया में 2,24,000 2.24 करोड़ टिकट इसकी सेल हुई थी इंडिया में। तो ये खबर है, आपको कैसी लगी गोलमाल अगेन के बारे में 9 हफ्तों का कलेक्शन पूरा का पूरा बता दिया, जो 312 करोड़ वर्ल्ड वाइड है और 206.75 करोड़ यानी कि 206.75 करोड़ इंडिया में है। जरूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए फिलहाल इतना ही।